समय पहले रियलमी ने अपने टीवीज कर दिए थे भारतीय मार्केट में लॉन्च, और नाम रखा गया था रियलमी स्मार्ट टीवी। और ये दो मॉडल्स में आ रहा है, 32 इंच और एक 42 इंच। और जिस मॉडल की सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है मार्केट में, लोग देखना पसंद कर रहे हैं उसके क्या है फीचर्स, कैसे काम करता है, वो है 32 इंच का टीवी, जो कि है बजट टीवी। और अगर आपके दिमाग में है कंफ्यूजन कि मैं रियलमी का टीवी लूं या ना लूं, या फिर इसके क्या हैं ऑल्टरनेटिव्स, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऑल्टरनेटिव्स ऑफ रियलमी टीवी 32 इंच वाला मॉडल, जिसका दाम रखा हुआ है कंपनी ने 12,999 रुपए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आप ये टीवी लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव है जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन का आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं रियलमी टीवी की। रियलमी टीवी जो 32 इंच का है, क्या क्या है उसके फीचर्स। तो फ्रेंड्स जो रियलमी का 32 इंच का टीवी है, उसका स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1366x768, और इसमें क्रोमा बूस्ट पिक्चर इंजन भी है जो कि पिक्चर्स को एनहांस करता है, कलर्स को थोड़ा वाइब्रेंट बनाता है, और साथ ही साथ इसमें जो ब्राइटनेस की बात है तो वो है 400 निट्स और 178 डिग्री का इसमें व्यूइंग एंगल है। और ये बेस्ड है मीडियाटेक चिपसेट का, जिसका नाम है कॉर्टेक्स A54, और साथ ही साथ इसमें आपको 1 GB रैम मिलेगा और 8 GB इंटरनल मेमोरी मिलेगी। और अगर आपको एकदम मस्त आवाज सुनना चाहते हैं, उसके लिए भी कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है इस टीवी में, और आपको मिलेगा 24 वॉट के क्वाड स्टीरियो स्पीकर्स जो सपोर्ट करते हैं डॉल्बी ऑडियो को। ओपन जो रियलमी स्मार्ट टीवी है, ये रन करता है एंड्रॉइड टीवी ओएस पे, और इसमें आप जो बहुत सारे एप्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, जी, ये सब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं रियलमी टीवी के ऑल्टरनेटिव्स, और पहला ऑल्टरनेटिव आता है व्यू की तरफ से। व्यू का एक टीवी है, व्यू प्रीमियम टीवी 32 इंच, और इसका दाम है 11,499 रुपए। और अगर बात कर लें इसमें क्या क्या मिलता है आपको, इसमें जो आपका डिस्प्ले है वो तो 32 इंच का है ही है, इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 1366x786, और ऑडियो के मामले में ये टीवी सपोर्ट करता है डॉल्बी ऑडियो और साथ ही साथ DTS सराउंड सिस्टम, और कंपनी ने इसमें 20 वॉट का स्पीकर देकर रखा हुआ है। और अगर ओवरऑल दोनों का कंपैरिजन की बात कर लें तो प्राइस में डेफिनेटली व्यू का टीवी का दाम कम है, डिस्प्ले पैनल ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, रिमोट कंट्रोल में थोड़ा सा डिफरेंस है, व्यू टीवी करता है 5 शॉट की सपोर्ट और रियलमी करता है 3 शॉट की सपोर्ट। और अगर रैम और इंटरनल मेमोरी की बात करें तो व्यू टीवी में आपको मिलता है 1 GB रैम, और साथ ही साथ इसमें है आपके पास 8 GB इंटरनल मेमोरी, और उसके अलावा ये इसमें 2 USB पोर्ट हैं, 2 HDMI पोर्ट हैं, और वाईफाई को भी सपोर्ट करता है। अब रुक करते हैं दूसरे ऑल्टरनेटिव की तरफ, वो है Xiaomi का टीवी, और उसका नाम है Xiaomi Mi TV 4A Pro 32 इंच। इस पूरी सीरीज में हमने कोशिश की, नहीं 100% वही ऑल्टरनेटिव लिए हैं जो 32 इंच के हैं। तो फिर बात कर लेते हैं Xiaomi की टीवी की खासियत। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा 12,499 रुपए का, और अगर इसके क्वालिटीज की बात करें, जो इसमें स्क्रीन है उसका रेजोल्यूशन है 1280x72p, और इसमें 64-bit क्वाड-कोर प्रोसेसर है जिसमें भी 1 GB रैम और साथ ही साथ 8 GB इंटरनल स्टोरेज है। और फिर साउंड की अगर बात करें तो इस वाले टीवी में आपको मिलता है 20 वॉट का स्पीकर, तो यहां पर रियलमी का हाथ ऊपर है क्योंकि उनके पास है 24 वॉट का स्पीकर। और अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, इसकी यूआई की बात कर लें तो ये रन करता है एंड्रॉइड ओएस पे, जिसके ऊपर पैच वो जो Xiaomi का अपना वाला यूआई है वो अपलोडेड है, तो आप चाहें तो उसमें एंड्रॉइड स्टॉक एंड्रॉइड वाले में भी जा सकते हैं कि उसका लुक एंड फील, और अगर दूसरा बटन दबाएंगे रिमोट कंट्रोल पे शॉर्टकट्स हैं तो उसके थ्रू आप पैच वॉल पे जा सकते हैं। तो यहां पर जो मेजर डिफरेंस आ रही है कि दोनों के दोनों में एंड्रॉइड टीवी है, लेकिन एड ऑन फीचर दिया गया है Xiaomi टीवी में, वो है पैच वॉल। इधर आपकी पसंद है कि आपको पैच वॉल पसंद है तो आप Xiaomi को कंसिडर कर सकते हैं, वरना लेकिन स्टॉक फीलिंग ही चाहिए तो रियलमी आपको दे रहा है स्टॉक फीलिंग। और बाकी जो इस टीवी के फीचर्स है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, चाहे आप HDMI पोर्ट की बात कर लीजिए या USB पोर्ट की बात कर लीजिए, वो ऑलमोस्ट मैच करते हैं रियलमी की टीवी के साथ, और साथ ही साथ इसका जो रिमोट कंट्रोल है, दोनों का रिमोट कंट्रोल है, वॉइस नेविगेशन भी सपोर्ट करता है। अब जो अगला ऑल्टरनेटिव हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है कोडेक की तरफ से, और इसका नाम है कोडेक 32 HD X Smart Pro।
और फ्रेंड्स प्राइस की बात करें तो काफी एग्रेसिव प्राइसिंग है इसका। इसका है 9,499 रुपए और जो इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो है 1366x786 पिक्सल और जिसका स्क्रीन है डिस्प्ले है वो सपोर्ट करता है 60Hz का रिफ्रेश रेट। रैम और इंटेल मेमोरी में ये बिल्कुल मैच करता है Xiaomi और Realme के टीवी और इसमें भी आपको मिलता है 1GB का रैम और साथ ही साथ 8GB की इंटरनल स्टोरेज। और स्पीकर के मामले में आपको मिलता है 20 वॉट का स्पीकर, यानी कि अभी भी Realme टीवी का जो स्पीकर का पल्ला है वो थोड़ा भारी है बाकी सब टीवी के कंपैरिजन में, लेकिन प्राइस के मामले में डेफिनेटली ये कोडेक का टीवी उनसे बेटर है। और जो कोडेक का टीवी है ये रन करता है एंड्रॉइड टीवी OS और इसमें प्रीलोडेड एप्स आपको मिली जाते हैं जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जितने भी आपके इस टाइम पे जो आप यूज करते हैं, जो आपके फेवरेट्स हैं, सबके सब मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर में भी जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन खाली एक ही डिफरेंस है, जो Realme का टीवी का एंड्रॉइड OS है वो सर्टिफाइड OS है गूगल की तरफ से और जो कोडेक है वो सर्टिफाइड नहीं है, यानी कि जो भी अपडेट जब भी पुश होंगे तो सबसे पहले आपको Realme टीवी में पुश होंगे या जो भी टीवी जिनमें स्टॉक एंड्रॉइड गूगल सर्टिफाइड OS है उसमें होंगे और उसके बाद बाकी टीवीज में पुश होते हैं। और पोर्ट से भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, इसमें आपको मिल जाता है 2 USB पोर्ट और साथ ही साथ 3 HDMI पोर्ट। फ्रेंड्स अगला ऑल्टरनेटिव हमारे पास आ रहा है Xingo की तरफ से। Xingo का एक मॉडल है SO328AS, नाम भी ऐसे उटपटांग देते हैं ना, पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है। बेसिकली 32 इंच का HD टीवी है और अगर इसके दाम की बात कर ले आपको मार्केट में मिल जाएगा 8,999 रुपए का और जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो है 1366x768 और रैम और इंटरनल मेमोरी के मामले में ये भी बाकी टीवियों की तरह है, 1GB इसमें आपको मिलता है रैम और 8GB मिलती है आपको इंटरनल मेमोरी। और पोर्ट्स के मामले में इसमें है 2 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स और साथ ही साथ इसमें है MediaTek का प्रोसेसर। और साउंड के लिए इस टीवी में आपको मिलता है 20 वॉट का स्पीकर। और UI की बात करें तो ये रन करता है यूनिवॉल UI जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 8.0, काफी ओल्ड सॉफ्टवेयर है उस पे ये रन कर रहा है। और फीचर्स के मामले में इसमें बिल्ट इन क्रोमकास्ट फीचर है। तो ओवरऑल प्राइस के मामले में डेफिनेटली Realme टीवी से ये है कम, लेकिन इसका जो साउंड आउटपुट है वो है कम और साथ ही साथ जो इसका UI है वो है पुराना। और जो अगला ऑल्टरनेटिव हमारे पास है वो आ रहा है थॉमसन की तरफ से और टीवी का नाम है थॉमसन B9 Pro। ये टीवी आपको मार्केट में मिल जाएगा 9,999 रुपए, यानी कि 10,000 रुपए से 1 रुपए कम। और अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात कर लें तो इस कार्ड को डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो है 1366x786 और इसमें A+ ग्रेड का पैनल लगा हुआ है जिसका कंपनी कहती है कि 450 निट्स की ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। और स्पीकर के मामले में इसमें भी आपको मिलता है 20 वॉट का स्पीकर और जो सपोर्ट करता है 5 different मोड्स। और इंटरफेस के मामले में इसमें है माई वॉल इंटरफेस जो कि ओवरले किया गया एंड्रॉइड टीवी पे। इसमें हमें मालूम नहीं है कि एंड्रॉइड टीवी का वर्जन कौन सा, थोड़ा कंफ्यूजन है उसमें। मेरे ख्याल से इसमें एक लेटेस्ट अपडेट पुश हो चुका है 9 वाला, ये उसी पे बेस्ड है। और अगर बात करें तो आप इसमें चाहें तो अपने जितने मन चाहे ऐप्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ये वाला टीवी में बिल्ट इन क्रोमकास्ट सपोर्ट आपको मिलता है और उसके अलावा इसमें आपको मिलते हैं 3 HDMI पोर्ट और साथ ही साथ 2 USB पोर्ट। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 5 ऑल्टरनेटिव्स Realme 32 इंच के टीवी के, तो आपके डिसीजन में थोड़ा सा और हेल्प कर देते हैं। अगर प्राइस की बात कर लें तो कोडेक और थॉमसन के जो टीवी हैं सबसे चीपेस्ट हैं, लेकिन अगर डिस्प्ले की बात कर लें, खासकर ब्राइटनेस की बात कर लें, तो उसमें सबसे अच्छी ब्राइटनेस दे रहा है आपको थॉमसन का टीवी। और अगर स्पीकर की बात कर लें, साउंड परफॉर्मेंस की बात कर लें, तो उसमें Realme को एक भी ऐसा टीवी नहीं है जो टक्कर दे सकता है। और अगर UI या OS की बात कर लें तो Realme को टक्कर मिल सकती है View और साथ ही साथ Xiaomi के टीवी से, क्योंकि वो दोनों भी लेटेस्ट OS से बेस्ड हैं और अपडेट्स उनके थोड़े बेटर फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। तो फ्रेंड्स इसके साथ हमारा ये वाला वीडियो तो खत्म हो गया। आपके कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।